When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग सब। अभी तो बस फेस्टिव का टाइम चल रहा है, बस मस्ती 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 यही वाली हाल चल रही है। और उसका चेहरा आप देखो कैसा। बुग्गू बुग्गू इधर देखो। एक्चुअली सर बहुत बिजी हैं कुछ देखने में, तो वो अपने काम में वो उसका वो कुछ पता नहीं दिखेगा कि नहीं। वो जो मॉल में घूमने गया था ना, उसने राइड की थी, तो वो अपना बार बार देख रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ उसको। एक्चुअली गाड़ी से, और उसको गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसके पापा को भी गाड़ी से बहुत लगाव है, और आरुष को भी गाड़ी से बहुत प्यार है। आई थिंक सारे बच्चों को गाड़ी से लगाव होता है, स्पेशली लड़कों को। तो बस यही है आज का ब्लॉग, मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। एंड मेरी हाउस हेल्पर किचन में कर रही है काम। एंड ओके ओके लगा देना मम्मा। तो मेरी हाउस हेल्पर कर रही है किचन में काम, अभी वो करके जाएंगी। फिर मैंने सोचा है कि दूसरा वाला बेडरूम जो है, एक्चुअली हम लोग उसको बेडरूम बना कर नहीं रखे हैं, हम लोगों ने उसको स्टोर रूम बना के रखा हुआ है, क्योंकि यूज ही नहीं है ना हमारा, यूज ही नहीं है उसका। तो जितने भी ऑनलाइन सामान आते हैं या जितने भी एसी वगैरह के गार्डन वगैरह हैं, सब हमने उसी में जमा करके रखा हुआ है। और भगवान जी भी हम उसी में, भगवान जी भी हम लोगों ने वहीं स्थापित किया हुआ है। तो आज सोच रही हूँ कि मैं उस वाले रूम की थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ। गंदा तो वैसे है नहीं, गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मन साफ़ हो जाएगा कि हाँ दिवाली में सफाई हुई है। एंड फैन वगैरह गंदे हैं, तो वो मेरे हस्बैंड करेंगे संडे को। सॉरी वो मेरे हस्बैंड करेंगे संडे को, या फिर देखती हूँ हाउस हेल्पर का बेटा है उसको बुला लूँगी, क्योंकि इनको एक संडे का छुट्टी मिलता है, उसमें भी मैं सफाई में लगा दूँगी होगा, तो उसी से करवा लूँगी। एंड आज का ब्लॉग मैंने कर दिया स्टार्ट। एंड आरुष तुम बनाना खा बेटा। तो आज का ब्लॉग मैंने कर दिया स्टार्ट, एंड देखते हैं कि अब आगे मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये मैं दूसरे वाले बेडरूम की सफाई कर रही हूँ। हमारा बेडरूम नहीं है ये, स्टोर रूम है। इसमें बस एक अलमीरा दिया हुआ है ऑनर, उसमें उन्होंने अपना कागज़ वागज रखा हुआ ज़रूरी। और ये कर्टन जो है, ये कर्टन इसके हैं, एसी के हैं। इसमें मैं पन्नी वगैरह रखती हूँ जो ज़रूरी सामान है, क्योंकि फिर अगर मान लो कहीं और शिफ्ट करो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, इसको मैं रख रही हूँ। और आरुष मेरी पूरी पूरी हेल्प कर रहा है मेरे काम को बिगाड़ने में, उसको मेरे साथ पूरी सफाई करनी होती है। और अब तो इतना बड़ा हो गया कि उसको सारे काम करने होते हैं मेरे साथ, एक एक चीज़ झाड़ू वाड़ू सब कुछ करना होता है। तो यही है, अब उसको मैं सारा को मैंने झाड़ वाड़ लिया है, उसके बाद सबको मैं अरेंज कर रही हूँ, ताकि अच्छे से असेंबल होने के बाद अब मैं इसको झाड़ू लगा रही हूँ। एक्चुअली काम वाली झाड़ू पोछा करके चली गई थी, मैंने कहा तब उसके भरोसे में बैठूँगी तो हो गया, शाम को करेगी, मैं कर ही लेती हूँ खुद से। तो फिर मैंने खुद से ही झाड़ू कर लिया था, पोछा कर लिया था, सारे सामान अच्छे से रख वख के। अब आप देख सकते हो सर क्या कर रहे हैं, पूरी सफाई उफाई कर रहे हैं अच्छे से, पूरा अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हैं ये। और फिर जगह पे जाके रख भी आता है जहाँ मम्मा रखती है वहाँ। तो बस अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा के मैंने ऊपर ऊपर से पोछा लगा दिया था, फिर अगले दिन तो वो पोछा लगाती ही लगाती। उसके बाद मैंने वो ग्लास थे उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, पोछ दिया था। इसको मैं हफ्ते में एक दिन अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, पोछ देती हूँ, कभी कभी कॉलिन से भी साफ़ कर देती हूँ, और कभी कभी ऐसे भी पोछ देती हूँ मैं। तो इसको मैंने अच्छे से पोछ दिया था। उससे खिड़की के ना उस साइड आपको दिख रहा होगा, मैंने तुलसी जी रखा हुआ है, एक समी का पेड़ मैंने रखा हुआ है, क्योंकि वो वाले जो पॉट है ना वो मैं उसी साइड रखती हूँ, ताकि वो हाउस हेल्पर वगैरह छू ना पाए, तो इसमें मैं हाँ तो इसको छू ना पाए अच्छे से, इसलिए मैं खुद
से इसकी क्लीनिंग वगैरह ऊपर की करती हूँ मैं, सब कुछ ऐसे ही रखती हूँ मैं। ये देखो क्या रायता फैलाया है मैंने, पूरा टमाटर बिल्कुल ओवरफ्लो हो चुका था। ये ओवरफ्लो होने के बाद पूरा ये सब मेरे को क्लीन करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं अभी बना रही हूँ ये कद्दू की सब्जी, जिसके लिए मैंने कद्दू भी बड़ा बड़ा सा गुल्ला काट के इसको फ्राई कर लिया, और आलू भी मैंने फ्राई कर लिया है, क्योंकि आलू मैं डालती हूँ आरुष के लिए, ताकि आरुष को खाने में दिक्कत ना हो। एंड अभी कढ़ाई में मैंने डाला हुआ है मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, तो इसमें डाला है मैंने हींग के बाद पंचफोरन, तेजपत्ता, मिर्ची और ये पिसी हुई प्याज है जो अभी भून रही है। उसके बाद ये सरसों, इसमें है सरसों, लहसुन और अदरक तीनों पीसा हुआ एक साथ, और ये टमाटर था जो बिल्कुल ओवरफ्लो हो चुका है, तो पूरा गंद मच चुका है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो अभी वही मैं डिनर बना रही थी जो पूरा रायता फैल चुका है, अब इसको मेरे को क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से। मतलब जितना जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करो ना, उतना मेरे साथ तो ऐसे ही हो जाता है, मैं हर बार जो करना चाहूँ ना मैं, तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा हो ही जाता है उल्टा सीधा वाला, तो मेरे साथ तो उल्टा सीधा केस हो ही जाता है। तो अभी मैं फटाफट से ये सब्जी बनाती हूँ। सब्जी बनाने के बाद अभी मैं फटाफट से सब्जी बनाती हूँ। सब्जी बनाने के बाद मेरे को इसके साथ बनाना है चावल, क्योंकि मेरे पति देव को इसकी सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी बहुत पसंद है, तो इसके साथ चावल ही ज़्यादा सूट करता है, तो इसके साथ मैं बनाऊंगी चावल। तो अभी ये सब सारा फैला हुआ है, सबको क्लीन करना है, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ, कुछ शेयर कर लेती हूँ। तो वही अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये प्याज मेरी अभी भून रही है, प्याज मेरी अभी भून रही है। ये पता नहीं कुछ दिनों से ना मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। कभी भी सिर में दर्द उठ जाता है, मतलब कभी भी 24 घंटे में कभी भी सिर में दर्द उठ जाता है, चाहे वो दिन में उठ जाए या फिर रात को। अभी फिर मेरे सिर में दर्द है, मैंने चाय बना के पिया है, ज़्यादा चाय पीना भी ठीक नहीं है। अभी सोच रही हूँ ग्रीन टी बना के पी लेती हूँ, हो सकता है कुछ रिलीफ हो, तो खाना बनाने में थोड़ा ये हो, तो अभी मैं वही सोच रही हूँ पहले ग्रीन टी बना के पी। तो जैसा कि मैंने बताया था, तो ये अभी प्याज भून चुका था, प्याज भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है सरसों, अदरक, लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा जीर मिर्च भी इसमें मैंने डाल दिया था। एंड ये डालने के बाद बेसिक मसाले डालूंगी, हल्दी के बाद मैंने डाला है ये है कुटी हुई मिर्च एंड धनिया पाउडर, और उसके बाद ये है देगी मिर्च, थोड़ा सा कलर में, सब्जी में कलर आने के लिए, एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है मैंने, और फिर अब डाल दूंगी मैं टमाटर, पिसी हुई टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे हम लोग, मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे अच्छे से मसाले को। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो इसमें डालूंगी मैं कसूरी मेथी डालने के बाद देखूंगी कि ऑयल जब सेपरेट होने लगे मसाला का, तभी समझ जाओगी कि मसाला ये भून चुका है। उसके बाद मैंने गर्म पानी डाला है, मैं हर ग्रेवी में कोशिश करती हूँ गर्म पानी ही डाले, उसका टेस्ट अलग आता है। और ये सब्जी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी सब्जी कद्दू की सब्जी शेयर की हुई है, अपने ब्लॉग में डाली हुई है, तो इसलिए मैंने कुछ खास नहीं दिखाया, ऐसे ही दिखा दिया मैंने कि मैंने क्या बनाया था। अब इसमें वही कद्दू एंड आलू ऐड कर दूंगी, उसके बाद ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, फिर धनिया पत्ता से गार्निश करके थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के इसको मैं चूल्हे से उतार दूंगी, तो ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो ये मेरे सामने का पार्क है जो बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी लंबा चौड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये छोटी सी झोपड़ी जो दिखाई दे रही होगी ना, ये हमारे प्रेस वाले भैया हैं, ये उनकी झोपड़ी है, दिन में ये यहाँ पे प्रेस करते हैं और रात को अपना पूरा सामान समेट वमेट के वो चले जाते हैं। तो सभी लोग अभी डिनर विनर करके लगभग नौ बज रहे हैं, सब लोग वॉक करते हैं यहाँ पे पार्क में, काफ़ी अच्छा पार्क है, बहुत अच्छा, काफ़ी क्लीन वगैरह सब रहता है यहाँ पे। एंड ये मेरे ऑनर के यहाँ कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम, शायद पेंटिंग वेंटिंग की काम चल रही है,
इसलिए ऐसा वो लग रहा है कुछ इनका कैंपस। एंड सामने में जो प्रेस वाले भैया है ना, उनकी जो झोपड़ी थी उसके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था जो कट चुका है, बहुत सोना सोना लगता है सच में। मतलब पेड़ पौधे से ना शोभा बनी रहती है, सुंदरता लगती है। वो कट चुका है, इतना सोना लगता है देखने में ना कि अभी आप झोपड़ी देख सकते हो, बहुत सोना लगता है देख। तो हमारा डिनर विनर हो चुका है फाइनल, एंड मेरे को आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, और आरू सभी बस अपनी बाइक चला। आरू चला रहा है अपनी बाइक, तो काफ़ी लेट हो चुका है। लेट तो हमेशा हमारा वही जाता है, 12:30 जाता है, अभी भी 12:25 हो रहा है। तो हमारा डिनर विनर फिनिश हो चुका है, एंड हम लोग आए हैं सोने, जो हम लोग आधा घंटा तक अभी नहीं सोएंगे। और उसको सोने में बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है, और मुझे तो बस आँख बिस्तर पर मैं लेटूँ, आँख मूंदूँ, मेरे को ऐसी वाली नींद आती है। लेकिन आर उसको सोने में टाइम लगता है। क्या कर रहा है बेटा गंदू लड़का की तरह, सब क्या बोलेंगे कि कितना गंदा लड़का है ये, अपने चित दिखा रहे हो। हेलो बोलो सबको, छोटा मंकी। तो अभी यही करती हूँ मैं अपने ब्लॉग एंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये है मेरा छोटा मंकी जो ऐसे उछलता है, अभी वो 1 घंटा नहीं सोएगा पक्का। जब पापा इसके सो जाएंगे, मैं सो जाऊंगी, तब इसको लगेगा कि कोई नहीं जगा है दोनों में से, तब ये सोने की कोशिश करेगा और सोएगा। पता नहीं जब इसके स्कूल स्टार्ट होंगे तो ये क्या करेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर।